Hashtag not coming slow. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद अली और आज का व्लॉग एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जाने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, पास के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने एक पास के लिए अप्लाई किया था, मेरा पास आ चुका है और वो कौन सी जगह है जहाँ पे आज मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आप पहले ना गए हों लेकिन मेरे व्लॉग के थ्रू आप उस जगह का विज़िट कर लें। तो चलते हैं, वो कौन सी जगह है वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। व्लॉग यहाँ पर है, द प्रोविजनल सिंध असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अंदर चलते हैं और व्लॉग बनाते हैं। ये बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, ये सिंध असेंबली की बिल्डिंग है। आज का विजिट मेरा सिंध असेंबली में है, अंदर चलते हैं आपको विजिट करके दिखाते हैं। हम सिंध असेंबली के बारे में डिटेल कुछ ये है कि सिंध असेंबली में टोटल 168 सीटें हैं। अब न्यू जनरेशन वाले बोलेंगे कि 168 इंग्लिश में बताएं कितने होते हैं, तो इंग्लिश में होते हैं 168। सिंध असेंबली में टोटल 168 सीटें हैं जिसमें 130 जनरल सीटें हैं और 29 सीटें जो है वो ख्वातीन के लिए हैं और 9 सीटें गैर मुस्लिम के लिए हैं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहाँ पे गैर मुस्लिमों के लिए भी असेंबली के अंदर उनके हुकूक रखे गए हैं। सिंध असेंबली के करंट स्पीकर जो है अभी आगा सिराज दुरानी हैं और डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी हैं। सर खान बहादुर अल्लाह बख्श सुमरो इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध एंड करंटली चीफ मिनिस्टर नेम इज सैयद मुराद अली शाह। पाकिस्तान जब बना था करारदाद मंजूर हुई थी तो ये करारदाद पूरी लिखी है पीछे जो ऐसी नजर आती है, और ये सिंध में मंजूर हुई थी करारदाद पाकिस्तान 1937 में। सिंध इज वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट हैज 29 डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू तहसील। सिंध जो है पाकिस्तान का एक सूबा है और इसमें 29 डिस्ट्रिक्ट हैं। 29 डिस्ट्रिक्ट के जो भी फैसले होते हैं वो इसी असेंबली से पास होते हैं, तब जाके वहाँ पे सारे काम होते हैं। हाँ भाई, ऊपर आ गए हैं और ये जो है सिंध असेंबली का कैफेटेरिया है। अंदर चलते हैं, आपको कैफेटेरिया भी दिखाते हैं। हाँ भाई, आप बहुत रेस्टोरेंट गए होंगे लेकिन शायद आप सिंध असेंबली के कैफेटेरिया में नहीं आए होंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको मीडिया गैलरी के लिए पास बनाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ के कैफेटेरिया का खाना खा सकते हैं। सिंध असेंबली कैफेटेरिया की स्पेशल बिरयानी फॉर स्पेशल पर्सन। तो असेंबली में आए हैं तो बिरयानी तो कंपलसरी है। सिनेमैटिक देखें बिरयानी का। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी, चलते हैं, चल के जो है सिंध असेंबली के थोड़ा और देखते हैं। ये सिंध असेंबली की बैक साइड है और यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है और जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, इसीलिए इस बिल्डिंग पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। क्लास ख़त्म हो चुका है और एम पी एम एन एस सारे आ गए हैं, आपको एम पी एस से मिलवाता हूँ। अभी मौजूद हैं आप न्यूज़ के जो है रिपोर्टर, और इनसे पूछते हैं मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स अगर फ्यूचर में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो ये कैसा स्कोप है उन स्टूडेंट्स के लिए? अच्छी फील्ड है, लेकिन अब जो वो रिवायती जिस तरीके से बूस्टअप हुआ था वो नहीं है, अब उसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेरा नाम खावर हुसैन है और मेरा ताल्लुक आज न्यूज़ से है, मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ आज न्यूज़ में। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये है कि होप फॉर द बेस्ट, आप आएँ और सोशल मीडिया पर आएँ, वहाँ पर अपना अपने चैनल बनाएं, अपना वेबसाइट्स बनाएं और वहाँ पर काम करें, बहुत बड़ा स्कोप है। जी मेरा नाम अब्दुल हमीद सुमरो है, मुझे तकरीबन सहाफ़त में आए हुए 29 साल हो गए हैं। हम उस दौर में सहाफ़त में आए जब प्रिंट मीडिया का उरूज था, एक छोटे से अखबार से अपने करियर की शुरुआत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह GNR में चैनल में मैं सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। मेरा मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले सब अपने जो स्टूडेंट्स हैं और उसके लिए यही पैगाम होगा कि मेहनत को अपना वतीरा बनाएं। हर शोबे में जहां जहां मेहनत होती है वहां पर जो हीरे हैं छुपे हुए वो निखर आते हैं। आप देखें, एक छोटा सा बंदा, कोई कराची का शहरी भी अगर कोई वीडियो क्लिप बनाता है तो एक इदारा उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कोर्ट में चला जाता है और उसके लिए स्टे ले लेता है कि ये हमारे लिए जो वीडियोज़ बना रहा है तो वो उसको बैन किया जाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बल्कि सोशल मीडिया की भी अपनी जगह पर अहमियत है। जो क्वालिटी होगी, जो अच्छा काम करेगा, जो सच्चाई से काम करेगा, शॉर्टकट का रास्ता नहीं लेगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपनी मंजिल ज़रूर आता है। हाँ भाई, आपको दिखा दी पूरी सिंध असेंबली का टूर करवाया, अंदर से भी बाहर से भी, और सेशन अटेंड नहीं कर पाया उसके लिए माजरत, और जितना हो सका आपको सिंध असेंबली का विज़िट करवाया। तो जुनेद अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।